हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटीआई ब्रेन्स। तो गाइस, आप लोग के लिए आईटीआई की सीबीटी एग्जाम जुड़ी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है अपडेट्स आई हुई है। चाहे आपके एग्जाम कैंसिलेशन से हो, या फिर आपके रिशेड्यूलिंग से हो, या फिर आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो होंगे उन सभी चीजों से रिलेटेड बातें आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो गाइस देख लीजिए, आप लोग को जैसा जानकारी है ही कि 6 तारीख का जो एग्जाम था आप लोग का, वो क्या हो गया कि कैंसिल हो गए थे। ठीक है, सभी जगह नहीं हुए थे, कुछ कुछ जगहों पे जो है लाइक फर्स्ट शिफ्ट का जो है मॉर्निंग शिफ्ट वाला कैंसिल हुआ था, इवनिंग वाला हुआ था, फिर जो आपका सेकंड जो सेशन का था, आपका दोपहर वाला जो सेशन था, शिफ्ट था, उसका तो एग्जाम हुआ ही था। ठीक है, तो कुछ कुछ सेंटर्स पे, कुछ कुछ जगहों पे जो है सेंटर्स पे आप लोग का 6 तारीख का, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा और हड़बड़ाइए नहीं। ठीक है, 6 तारीख का, फिर 7 तारीख का जो है एग्जाम क्या हो गया है, कैंसिल कर दिया। तो सब बच्चों का जो एग्जाम दे दिया उनका नहीं हुआ, जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया उनका कैंसिल नहीं हुआ है जिनका। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों का हुआ है, अधिकांश बच्चों का हुआ है सर्वर प्रॉब्लम के कारण। यही 6 तारीख का जो सर्वर प्रॉब्लम था ये 7 में तब्दील हुआ। आज बच्चों ने बहुत सारा जो है हंगामा भी किया है इसमें 7 तारीख वाले डेट में। फिर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जहां जिस जिस रीजन में ये सर्वर प्रॉब्लम थे वहां पे 8 तारीख का भी एग्जाम को क्या कर दिया गया है, रिशेड्यूल कर दिया गया, या कहिए कि पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो ये मेल है ना, डीजीटी का ये देख लीजिए, ये मेल है। ठीक है, यहाँ पे जो डीजीटी ने सीबीटी एग्जामिनेशन जो 8 तारीख को जो होने थे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का नेम था। ठीक है, तब उन नेम में से सभी का एग्जाम को कैंसिल या फिर रिशेड्यूल नहीं किया है, कुछ एक बच्चे का किया है। लाइक कुछ एक बच्चे ही नहीं, 4000 समथिंग बच्चों का, 4500 बच्चों का जो है रिशेड्यूलिंग किया है। इसमें पीडीएफ लिस्ट है, आपको मैं दिखा भी देता हूं। देखिए गाइस, यही है पीडीएफ लिस्ट जिसमें कि जिन बच्चों का रिशेड्यूल हुआ है, मतलब जिन बच्चों का समझिए एक तरह से एग्जाम कैंसिल हुआ है, ठीक है, उन्हीं बच्चों का यहाँ पे लिस्ट है। देख लीजिए गाइस, यहाँ पे आप लोग का एग्जाम डेट जो था 8 तारीख का, ठीक है, 8 तारीख का था यहाँ पे। आइए यहाँ पे आप लोग को मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये 8 तारीख का डेट्स का सारा आपको इसमें लिस्ट मिल जाएगा। इन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ, जो ये लिस्ट में जिनका नाम दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, इन्हीं बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि आप लोग फिर ये नहीं सोच लीजिएगा कि जो है 8 तारीख के डेट में तो बहुत बच्चों का लिस्ट में नाम था, ऐसे ऐसे में सभी बच्चों का तो हो गया है क्या, नहीं। आप लोग को सेंटर जाना है, ठीक है, आप लोग एग्जाम सेंटर जरूर जाइएगा। ठीक है, और इस लिस्ट के अलावे यदि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है 8 तारीख के डेट में, आज के डेट में, ठीक है, 8 तारीख के डेट में, तो आप सेंटर पर जाके एग्जाम दीजिए, क्योंकि ये जो है सभी बच्चों का नहीं है। मैं इस चीज को बार बार कह रहा हूँ, तो फिर आप लोग अच्छे से सुनिएगा, नहीं कहिएगा सर आपके कारण एग्जाम छूट गया, तो ऐसा नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। गाइज, ये तो चलिए बात हो गई। तो 6 तारीख का एग्जाम जो है कुछ बच्चों का कैंसिल हुआ, फिर 7 तारीख का भी जो है कुछ बच्चों का कैंसिल हुआ, और 8 तारीख का भी जो है कैंसिल हुआ। अब ये तीनों डेट जो है 6, 7 और 8, तो यहाँ तो 8 का मैसेज आया हुआ है, ठीक, इसी तरह से 7 का 6 का भी हुआ था। तो गाइज देखिए, ये तो 8 तारीख का जो है ना, तो चाहे 6 या 7 का है, तो ये जो 3 डेट्स के जो एग्जाम्स अब जिन बच्चों का जो रिशेड्यूल हुआ है, कैंसिल हुआ है, वो कब होगा उसकी अभी जानकारी नहीं आई है। ठीक है, उसकी जानकारी जैसे ही आएगी चैनल पे आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है अपना आप चेक कर लीजिएगा इस पीडीएफ में। इस पीडियो को मैं अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप ले सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, चलिए गाइज, ये तो हो गया। अब दूसरी बात है कि एक फेज लिस्ट जो है आप लोग का, नेक्स्ट फेज लिस्ट, एडमिट कार्ड लिस्ट जो कि है, वो 12 से लेकर के 16 तारीख का जो है आ चुका है। ठीक है, तो 12 तारीख को जनरली उसमें देखिएगा आप, तो 12 तारीख का एग्जाम है और 16 का एग्जाम है, बीच के एक आध डेट्स जो है शायद नहीं है उसमें। हालांकि मेरे पास लिस्ट अभी कन्फर्म अभी है नहीं, ठीक है, मैं उसको जैसे ही मिलेगा, मुझे लगता है जब आप वीडियो देखिएगा उस टाइम तक मेरे इस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, वो पीडीएफ जो लिस्ट है वो आप भी डाल भी दूंगा मैं। ठीक है, तो हालांकि कुछ बच्चों ने मुझे एडमिट कार्ड का ये सब मैसेज किया था कि सर 16 का मेरा एडमिट कार्ड आ गया है, 12 का भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के बाद बोल रहा हूँ कि ये जो है लिस्ट 12 और 16 का जो है ये आ चुका है।
बीच में कुछ डेट्स के एग्जामिनेशंस नहीं है, 13, 14, 15 का एग्जाम नहीं होगा क्योंकि दुर्गा पूजा का के कारण जो उस टाइम में एग्जाम्स नहीं होंगे। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि 12 का एग्जाम है आप लोग का, 16 का है, तो उसका जो ही जब भी लिस्ट मुझे अपलोड होता है एक्सेल शीट, तो मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा पीडीएम के माध्यम से, जो इस अपने ग्रुप है, इस ग्रुप में चैनल आई मीन टेलीग्राम ग्रुप आई टी फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल दूंगा। तो गाइज ये अपडेट्स, लेकिन बहुत ही सैड न्यूज एक तरह से कहा जाए, बहुत ही दुख भरा ये चीजें कहा जाए तो आईटीआई के इतिहास में हो रहा है, जहाँ की बच्चों को इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब मुझे तो इस बात का बहुत थोड़ा बहुत आक्रोश भी होता है कि 2018 सेशन के जो बच्चे हैं, 2018-20 सेशन के बच्चों ने क्या बिगाड़ा था डीजीटी का, मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है। जिला सर आप समझ लीजिए कि ये अब जो है मोर देन 3.8 ईयर्स होने को है, 3.8 ईयर्स, और ये जो है अभी ये रिजल्ट वगैरह एग्जाम वगैरह कंडक्ट, तो ये एग्जाम भी सोच लीजिए ना, अभी तो इस तरह से जो स्थिति चल रही है, सर्वर प्रॉब्लम तो ये प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम, अभी इन चीजों को शिफ्ट करते करते आप मान लीजिए नवंबर पूरा ले लेंगे ये लोग आपका जो है ये बैक पेपर सप्लीमेंट्री 18-20 और जो है रेगुलर जो कैंडिडेट्स हैं, आई मीन जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स 18-20 के, उनको क्लियर करने के लिए। 19 वाले का भी जो है सेशन खत्म हो चुका है 21, लेकिन उन लोग का भी सेकेंड ईयर का कोई गप ही नहीं है, समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति बन के रह गई है, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं डीजीटी को। और दुख की बात ये भी है कि आप लोग भी साथ नहीं देते हैं। मैं ट्विटर कैंपेन चलाया था जिसमें कि आप लोग का समर्थन मांगा था, महज आप लोग कितने मात्र 90 या 85 बच्चों ने रीट्वीट किया था उस मैसेज को। अब मैं क्या उसमें चलाया था ट्वीट कि या तो ऑफलाइन लो, ठीक है, OMR बेस्ड एग्जाम ले लो, ठीक है, या नहीं तो प्रमोट कर दो, या तो प्रमोट कर दो या तो ऑफलाइन एग्जाम लो, OMR बेस्ड एग्जाम लो। जो अभी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो चल रहे हैं 2017 सेशन के, 2016 सेशन जो बैक पेपर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, वैसे ही लेकर के आप क्लियर कर देते, क्यों खामखा जो है परेशानी इतना कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं, जबरदस्ती है कि ले ही रहे हैं एग्जाम्स, ऑनलाइन ही लेना है। तो ये तो स्थिति है गाइस, क्या कहा जाए। आप लोग भी अपना कुछ सजेशन दीजिए, अपना जो है कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या जो भी स्थितियां बन रही हैं, क्या उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं और क्या उचित स्टेप्स इस पे लिया जाए, क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि यदि सब कोई मिलकर के कुछ करेंगे तो जरूर एक सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और ताजुब मुझे लगता है कि डीजीटी पर कि इस तरह से जो स्थितियां बन रही हैं, तो क्या आखिर बहुत सारे बच्चे, आज मैं आपको दिखा देता यहाँ पे अपना जो कमेंट सेशन बॉक्स खोल करके, एक बच्चा मुझे लिखा था, लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है, उसमें कह रहा है कि मेरे घर की स्थिति इतनी खराब है सर, मैं जॉब के लिए एक डिग्री नहीं है मेरे पास, मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, अप्रेंटिस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा समझ में भी नहीं आया कि क्या उनको मैं रिप्लाई दूं, आखिर हमारे या मेरे बस की बात तो डीजीटी की है नहीं, गवर्नमेंट है डीजीटी, उसको क्या हम लोग कह सकते हैं, आई मीन हम लोग तो नहीं कह, मैं अपना कहूँ तो अकेले क्या बोल सकता हूँ। हाँ, सब मिल करके जरूर कुछ कर सकते हैं, प्रेशर तो जरूर गवर्नमेंट पे बनाया ही जा सकता है, बशर्ते सबका साथ हो तो, लेकिन यही दिक्कत है आईटीआई स्टूडेंट्स, थोड़े आप लोग का भी यहाँ काम गलती होता है, जब कुछ कैंपेन चले तो उसमें जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कीजिए, और नहीं होगा तो फिर फिजिकल प्रोटेस्ट भी एक सॉल्यूशन होता है। खैर गाइस, चलिए देखते हैं कुछ इसमें अपडेट्स आता है तो आप लोग को बताएंगे, जिन बच्चों का रिशेड्यूल हुआ है उनका रिशेड्यूल होगा, आई मीन जो न्यू डेट्स आएंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा। और जो है यहाँ पे जो आप लोग का जो ये फेज लिस्ट जो आने वाला है, ठीक है, आई मीन जो आ चुका है 16 तारीख का डेट का और 12 तारीख का डेट का, तो वो भी मैं आप लोग को जो है प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, अपना जो एनसीबीटी साइट है आपका NCBT MIS, वहां आप लोग जो है ट्रेनिंग प्रोफाइल में जाकर एडमिट का जरूर चेक किया कीजिए आपका आया है या नहीं आया है, सिर्फ लिस्ट के भरोसे मत रहा कीजिए, ठीक है। फिर भी मैं प्रोवाइड तो कर ही देता हूँ, तो चैनल पे अपडेट्स पाने के लिए चैनल पे बने रहिएगा, जो जो बच्चे न्यू है चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का ये बहुत ही जो है अर्जेंट नोटिस एक तरह से कह सकते हैं जो कि आया हुआ है। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और जाते जाते एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।